कि ये 3-4 महीने में ही खराब होगा। ये बात सच है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि टेक्निकल। तो दोस्तों, रवि टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमने साउंड कोर बाय एंकर के Q20i, ये जो हेडफोन है, इसको परचेस करके हमें अभी 7 से 8 दिन हो गए हैं दोस्तों। और इसका हम आज के इस वीडियो में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। और वो भी कैसा, हर एक सेगमेंट की बात करेंगे। इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस, चार्जिंग टाइम, बैटरी बैकअप, इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट, हर एक चीज को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही टेक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साउंड कोर का देखिएगा दोस्तों, कितना अच्छा है। जैसे हम इसको हेडफोन को रखते हैं, ऐसे दोनों ऐसे चिपक जाते हैं, जैसे दो जिसमें एक जान ऐसा हो गया है। ये देखो, ऐसा ऐसा हो जाता है, मस्त है ना। तो ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसका लुक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वही रहती है कि लुक, ये दिखते कैसे। तो चलो, हम क्या करते हैं, हम इसको अभी इसको ऑन ईयर लगा ही देते हैं। ओके, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होते, हम हमारा स्पेक निकाल के रख देते हैं। ओके, हाँ, अब देख सकते हैं, ये मैंने अभी कान में लगाया है। ओके, लुक आपको दिख रहा है, लुक अच्छा है। बट ये जो देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा ही गैप लग रहा है मुझे, ये थोड़ा कम कर देते। तो हेडफोन जो है ना, उन्होंने ऐसा बनाया, देखो ऐसा बनाया, ये थोड़े ऐसे होते तो अच्छा रहता और लुक भी थोड़ा अच्छा आ जाता दोस्तों। तो नेक्स्ट थिंग, इसकी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी क्या क्या है मतलब। तो यहाँ पर जैसे देख, मैंने जैसे आपको दिखाया है, ये जो पूरे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो दोनों AMF है, इतने ही देखो, इतने फोल्ड होते हैं ताकि वो एडजस्टमेंट के लिए भी अच्छे से, मतलब कान में भी एडजस्ट ठीक से हो जाते हैं। तो इसकी जो है, अब ये यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर इधर इतना स्टील का है और यहाँ इधर भी थोड़ा मेटल का है, बस ये मेटल छोड़ के बाकी सब प्लास्टिक है। और जो ये एयर मफ है, इतने स्मूथ है कि आप कान में जो पहनते हैं, कभी भी कुछ भी तकलीफ नहीं होता है, जो कि 4-5 घंटे भी पहन के रखेंगे तो मस्त मज़ा आता है। और इसकी जो साइज़ है, इतनी बड़ी है, हमारा देखो कान ना पूरा ऐसा कवर हो जाता है, जैसे हम इसको पहनते हैं आधा नॉइस तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाता है। और ANC उसका तो बाद में हम डिस्कस ही करेंगे। तो आधा नॉइस तो इधर ही कैंसिल हो गया, बिकॉज ऑफ एयर में पूरी तरीके से हमारे कान को ढक देते हैं। तो अगर इसके देखेंगे तो इसमें, और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लो वॉल्यूम, हाई, प्ले, पॉज, पावर ऑन, पावर ऑफ, यहाँ पर चार्जिंग केबल, ऑक्स केबल, देन यहाँ पर ANC का बटन है दोस्तों, यहाँ पर ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो अभी नेक्स्ट थिंग आती है इसकी कि हाँ, ये तो हो गया, लेकिन बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं आखिर में एक वीडियो में स्टेटमेंट दूंगा, पहले ही नहीं स्टेटमेंट दूंगा, तो आखिर में इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कैसी लगी वो आखिर में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग है ANC, जैसे कि उन्होंने जो साउंड कोर वालों ने जो इतना बताया है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इतना जो उन्होंने इतना पूरा लिख के रखा है कि हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग। तो हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग जब हम इसको पहनते हैं और क्राउड में जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 70-80% नॉइस कैंसिल आउट होता है, 20% नहीं, मतलब 100% नॉइस इससे कैंसिल आउट नहीं होता है। 70-80% तक का हमें नॉइस कैंसिल आउट देखने को, मतलब नॉइस कैंसिल आउट हो जाता है दोस्तों। और इसमें और दो मोड है, नॉर्मल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी। तो नॉर्मल में जैसे कि हम इसको जैसे पहनते हैं और जितना नॉइज कैंसिल आउट होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। सेकंड थिंग, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, बाहर का पूरा नॉइज कैंसिल आउट कर देता है 70-80%। एंड थर्ड थिंग इज ट्रांसपेरेंसी मोड, मींस जैसे अभी हम कान से जैसे सुन रहे हैं, इसको ऐसा पहनेंगे और ये बटन ऐसा जैसे दबाएंगे तो भी सेम, तभी भी हमें वो पूरा सुनाई देगा बाहर वाला चीज, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये तीनों मोड अच्छे से है, काम करते हैं और बढ़िया वर्क करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट थिंग आती है इसकी कि इसको जो इसमें जो नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहे हो कि बाबा
कनेक्ट टू टू डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, मतलब दो डिवाइस को कनेक्ट एट अ टाइम होता है। तो मैंने ट्राई करके देखा, मेरे मोबाइल को और मेरे टैब को दोनों में कनेक्ट करके देखा, जब मोबाइल पे कुछ चलाता हूँ तो वो चला देता, मतलब इससे सुनाई देता है, एट अ टाइम टैब पे चलाऊंगा तो वो नहीं, फिर मुझे मोबाइल का बंद करना पड़ता है और टैब का चालू किया तो फिर वो इतना स्मूथली चेंज ओवर होता है, बहुत ही स्मूथली चेंज ओवर होता है। बट अभी जो एक कनेक्टिविटी का मेरा आईफोन है तो कनेक्टिविटी का इशू थोड़ा लग रहा है मुझे, कि आईफोन के साथ पता नहीं है वो इतना कितना कंफर्टेबल है या नहीं, लेकिन टैब को तो हमेशा कनेक्टेड रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। जब आईफोन से आईफोन को मुझे बार बार इसको कनेक्ट करना पड़ता है, तो कनेक्टिविटी इशू आईफोन की वजह से माइट भी आ सकता है मेरे को, टैब में तो नहीं दिख रहा है, मतलब कनेक्टिविटी इशू भी नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि इसका साउंड क्वालिटी, जैसे कि साउंड कोर ने बताया है कि यार हाई रेस साउंड, मतलब ऐसा साउंड क्वालिटी के बारे में मैं आपको एक लाइन बताऊंगा इस हेडफोन के बारे में। दिस इज लाइक, ये जो 4 to 5,000, मैंने 4,800 रुपीज में लिया है, 4 to 5,000 के बजट वाले हेडफोन में मैं इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी को नंबर वन पे रेट करूंगा। इसकी जो साउंड आउटपुट है इतनी क्रिस्प क्लियर कि आप एक बार गाना लगाएंगे, मैं फुल वॉल्यूम पे गाने चलाता हूँ, कभी भी मुझे मेरे कान को इरिटेट नहीं हुआ, मैं 4-4 घंटे तक मैंने हेडफोन पहन के रखा है, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, अगर कभी बीच में ऐसा कोई लाइक भैंसे जैसा चिल्ला भी देगा तो ये कानों में इरिटेट नहीं करेगा, इतना स्मूथ एंड स्मूथ आउटपुट है इसकी, जो जो लाइक गाने का जो आउटपुट है, जो साउंड का आउटपुट है, इतना स्मूथ है ना कि बहुत ही बढ़िया है। आप कितने भी देर गाने चलाओ, ऐसा कान में इरिटेट हो रहा है, सर में दुख रहा है, ऐसा कुछ कभी फील नहीं होगा दोस्तों। तो साउंड क्वालिटी तो एक नंबर है, इसके लोज हाईज इतने, मतलब आप जब कभी कोई गाने सुनेंगे जस्ट लाइक इमरान हाशमी के कोई गाने, मस्त भाई एक आधा दर्द भरा भी गाना सुनोगे तो आज सिर्फ आग बंद करने का और उस फेस में चले जाने का, वो लम्हे वो रातें और ये चमाइला, तो वो सब जाने दो, तो वो भी अलग है। जब आप कुछ भजन सुनोगे, मैं वही बोल रहा हूँ कि लिटरली साउंड क्वालिटी, साउंड आउट ऑफ आउटपुट इस हेडफोन का 4 to 5,000 के बजट में अनबिलीवेबल, कोई दे ही नहीं सकता, मैं तो लाइक मेरा ये ओपिनियन है दोस्तों। अभी नेक्स्ट थिंग है कि उन्होंने बोला है कि 40 mm के डायनेमिक ड्राइवर फॉर थम्पिंग बास, कैसा थम्पिंग बास, तो इसका बेस्ट बट नॉट लाइक बेस इज वेस्ट है, बट इतना भी थम्पिंग नहीं है जैसा कि उन्होंने जितना लाइक दिखाया है कि थम्पिंग है, बोले ऐसा दर दर करते हैं पर इतना नहीं है। इसको अगर रेट करना है 5 से तो मैं 4 तक उसको बोलूंगा, क्या 4 out of 5 इसका बेस है। नहीं अभी मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने मूवीज डाउनलोड किया इसको टेस्ट करने के लिए, बताया आपको, मैंने लिटरली इस हेडफोन को 8 दिन में मैंने इतना यूज किया है, इसको हर एक चीज टेस्ट करने के लिए मैंने 8-8 GB के मूवीज डाउनलोड किया है, और उस मूवीज में जब वो डायलॉग डिलीवरी, जब डायलॉग बोलता है तो, और जैसे उस लाइक वो ये देते ना थिएटर में लगता है, इधर के साउंड से आधा हो जाता है, फिर कुछ तो भी ऐसा पाना गिरता है इधर से आवाज आता है, लिटरली मतलब खतरनाक फील आता है। मूवीज लवर हो, गाने आपको सुनने हैं तो ये हेडफोन बेस्ट। इन्होंने जो एक साउंड कोर का एक ऐप भी है, वो बोलते हैं कस्टमाइजेबल इक्वलाइजर भी है उसमें, तो मुझे तो मैंने तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने डाउनलोड किया था बट एक में ही मैं मुझे थोड़ा बेस अच्छा लगता है, तो मैं बेस पे ही हर एक चीज़ सुनता हूँ और मुझे वो अच्छा ही लगता है। तो जैसे बैटरी बैकअप, ओ जो इसका जो बैटरी बैकअप है दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बोला है कि 40 घंटा और 60 घंटा विदाउट ANC, 40 hours विद ANC, तो ऑलमोस्ट 40-50 hours तक हमें प्लेबैक दे देता है दोस्तों। तो कोई इशू नहीं है, आप पूरे गाने चलाओ, ये करो वो करो, तो ये रिलायबल है कि आप 30-40-50 घंटे तक आपको ये गाने आप सुन सकते हैं इस साउंड कोर के Q20i ऑन ईयर हेडफोन से। अभी मैंने जो बोला था सबसे पहले कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज इसमें सभी चीज़ें प्रोज है, बट वही चीज़ थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, बिकॉज मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी कुछ रिव्यू पढ़ा और उसके बाद मैंने खुद महसूस किया कि इसकी जो ये है
ये स्मूथ है, बट इसकी जो बिल्ट क्वालिटी, जो लग रहा है कि ये 3-4 महीने में ही खराब होगा, ये बात सच है दोस्तों इसके। तो हम इसको 3-4 महीने के बाद, मैं इसका डिटेल में रिव्यू बनाऊंगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है यार कि ये इसके जो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा लग रहा है कि ये खराब हो सकता है, तो लेट्स, तब तक तो हम वेट करेंगे, 4-5 महीने के बाद भी इसका डिटेल में वीडियो डालेंगे और तब बताएंगे यार आपको कि सच में मैं सही था, अमेजोन वाले सही थे, सॉरी अमेजोन वाले नहीं, अमेजोन वाले कस्टमर सही थे, फ्लिपकार्ट वाले कस्टमर सही थे, या कौन सही था। तो ये 5 महीने के बाद यूज करने के बाद ही चलेगा, लेकिन अगर फाइनल वर्डिक्ट देना है 4,000 to 5,000 के बीच में अगर आपको ये हेडफोन लेना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट हेडफोन। ओके, और जो बोल रहे कि गेमिंग का मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं गेमिंग वगैरह कुछ करता नहीं हूँ तो मैंने वो लेटेंसी वगैरह टेस्ट नहीं किया है, बट बाकी मैंने हर एक चीज, गाने पूरे चला के आए, हर एक टाइप के गाने चला के देखे, बट इसने जितना, इसका जो आउटपुट दिया है सेटिस्फाइंग है। एक जो कस्टमर रहता है कि हम जब 4,000-5,000 पे करते हैं तो उसको जो जो आउटपुट जो मिलना चाहिए, जो खुशी, जो मजा, तो ये हेडफोन दे देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कि इस हेडफोन के बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उसको हर एक कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ऑलमोस्ट मैं दे भी देता हूँ। और जो मेरा जो रिव्यू रहता है ये वही रहता है कि ये इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग लाइक जो कंपनी ने दिया है इधर लिख के, ये मैंने टेस्ट किया है सच में वर्क होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमारा रिव्यू जेन्युइन रहता है कि ऐसा कुछ फालतू रिव्यू नहीं रहेगा कि इधर से पड़े गए कुछ ना, हम खुद जो महसूस हुआ मुझे, रिव्यू का मतलब ही वही रहता है कि लोग बोलते हैं ना जब कस्टमर ओपिनियन, तो खुद का ओपिनियन दो यार, लोगों का पढ़ के क्या बताने का किसी को। मैंने जो महसूस किया, मुझे जो लगा, ये इस वीडियो में पूरा मैंने डिटेल में डाल दिया है दोस्तों। तो इसका आवाज इतना बढ़िया है कि लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, अगर आप ढिंचक पूजा के भी गाने इसमें सुनोगे, गाने अच्छे नहीं लगेंगे, आपके कान को तकलीफ नहीं होगी, बस वही बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे उसके गाने नहीं तो फिर वो बात नहीं है दोस्तों, आप ढिंचक पूजा के भी गाने सुनोगे तो आपको कान को तकलीफ नहीं होगी, मैं वही बोला, बाकी कुछ नहीं है। उसके गाने किसी को पसंद आते नहीं आते तो वो बात अलग हो गई, तो सेल्फी मैंने ले ली आज। चलो बाय दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अभी भी आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमें थोड़ा हौसला मिलता है और ऐसे ही आपके लिए हम वीडियोस लेके आते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए छा छा और बाय बाय।